हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन 1 to 6 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यू कैन चेक इन प्लेलिस्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें नोट करना है, इसको करने के लिए पहले हमें एलसीएम लेना है, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। दिस इज ए पार्ट एलसीएम ऑफ 9, 7 and 11। तीनों हमारे पास डिफरेंट नंबर है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 9 × 7 × 11। इलेवन थ्री जा 33, 11 × 6 = 66 + 3 = 69। ये एलसीएम हमारे पास आ गया। अब इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्वेश्चन को इजी बनाते हैं किस टाइप से। ये डिनोमिनेटर को हमें डिवाइड करना है 9 से। जब 9 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास ये वाला नंबर छोड़ के रिमेनिंग 2 डिनोमिनेटर वो नोट कर देना है। 8 × 7 × 11, देन 4 × 7, यहाँ पे ऑलरेडी है 9 × 11। ये कब है? जब हमारे डिफरेंट हो डिनोमिनेटर्स, सारे डिफरेंट, मतलब कोई सारे प्राइम नंबर होंगे, मीन्स ऐसे नंबर होंगे जिसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा, ठीक है, प्राइम नहीं। अब इसको डिवाइड किया दो 11 से, तो हमारे पास क्या आएगा? 9 × 7 × 9। अब इसको मल्टीप्लाई करके नोट कर लेंगे। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करना है ये, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर 5, 6, 7, यानी लास्ट वाला 9/11। देन 6, 1, 6, दैट इज फर्स्ट नंबर, फर्स्ट फ्रैक्शन, एंड देन 4/7। दिस इज बी पार्ट। सबसे पहले एलसीएम ऑफ 4, 8 and 12, दैट इज इक्वल टू 24। नाउ 24 / 4, 3 × 6, 24 / 8 into numerator 7 × 3, 24 / 12 into numerator 5 × 2, 18, 21, 10 / 24. Now descending order, 21 सबसे पहले 7/8, then 18 3/4, and 10 5/12. Now see part, इसमें सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 13, 7, 11। अब देखिए तीनों डिफरेंट नंबर, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका एलसीएम हो जाएगा 91 × 11, दैट इज इक्वल टू 1001। नाउ 1001, इसको डिवाइड करना है 13 से, तो क्या करेंगे? 13 को छोड़ के दोनों नंबर नोट कर देंगे। न्यूमरेटर हमारे पास 7 × फिर क्या आएगा? 7 × 11। नाउ न्यूमरेटर है 2 × डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 11 से करेंगे तो ये दोनों नंबर रह जाएंगे इसमें, 5 × 13 × 7। आप इसको मल्टीप्लाई करके नोट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके ये आया हमारे पास नंबर। अब इसको अरेंज करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करने के लिए सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास 869, दैट इज 7/13। देन 455, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 5/11, एंड देन लास्ट नंबर 2/7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्लासीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू सिंपल और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. सिंपल और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में हमें बताना है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में बताने के लिए क्या होता है, जो सिंपल फ्रैक्शन है वो आपके पास प्रॉपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, और उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो इंटीजर्स मिलेंगे. और जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है उसमें, जैसे ये वाला नंबर लेते हैं हम, तो इसमें क्या है 1/2, ये डिफरेंट हो गया, 18 ये अलग हो गया, ठीक है, न्यूमरेटर है वही फ्रैक्शन में है. या इसमें इसमें देखिए, इसमें डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, ये वाला, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गए. तो सिंपल, ये हमारे पास सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, और ये सिंपल है. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, फाइंड अ फ्रैक्शन बिटवीन. जब भी आपको ये बोला जाए कि आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है इनके बीच में, ठीक है, ये तो जैसे इसमें बोला है कि वन फ्रैक्शन, टू फ्रैक्शन आ गया ये, फिर थ्री फ्रैक्शन आ गया, तो हम पहले डिनोमिनेटर इक्वल बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं. ओके, ये हमारे पास, अब इसको हमें एलसीएम लेके करना होगा. उससे पहले देखिए, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 7 2 14, 7 3 21, तो ये हमारे पास क्या है, 12/17 एंड 2/3, इसके बीच में एक ही आपको फ्रैक्शन नोट करनी है. तो इसको पहले एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम ऑफ 17 एंड 3 दैट इज इक्वल टू 51. 51 डिवाइड बाय 17, 3 3 इंटू 12 एंड 51 डिवाइड बाय 3 17 इंटू 2. अब ये हमारे पास क्या आ गया, 26 एंड 34 डिवाइड बाय 51. अब ये हमारे पास है, कोई भी एक नंबर इसमें से आप नोट कर सकते हो. क्या, जैसे आपने नोट किया इसमें से, ये आया 26/51 एंड डिनोमिनेटर सेपरेट दोनों के साथ नोट कर दिया हमने 34/51. अब इसके बीच में आपको कोई भी एक फ्रैक्शन नोट करनी है, कोई भी एक आप कर सकते हो इसमें, और आंसर पीछे मैच नहीं करना है, क्योंकि सबका आंसर इसमें इन क्वेश्चंस में डिफरेंट होता है. ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो रैशनल नंबर हम फाइंड आउट करते हैं सेम उसी तरीके से. इज जैसे मैंने लिया 28/51, ठीक है, आप कुछ और भी ले सकते हो इसमें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड टू फ्रैक्शंस बिटवीन. इसमें टू फ्रैक्शंस करनी है, तो टू फ्रैक्शंस के लिए हम सेम वही तरीका करेंगे, 2/9 एंड 5/12. सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर इक्वल करना है, उसके बाद हम फाइंड आउट कर देंगे. सो एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 दैट इज इक्वल टू 36. नाउ 36 डिवाइड बाय 9, 4 4 इंटू 2 एंड 5 इंटू, डिवाइड करते हैं 36 डिवाइड बाय 12, 3. 4 टू ज 8 बाय 36 एंड 5 3 ज 15 बाय 36. अब इसके बीच में हमें टू फ्रैक्शंस नोट करनी थी, टू फ्रैक्शंस बिटवीन 2/9 एंड 5/12 आर, कोई भी दोनों कर देंगे नोट इसमें से. जैसे मैंने लिया 10/36 एंड 11/36. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.